हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। आप डेरा सच्चा सौदा में आए हुए हो और आप गर्ल हो, तो मीडिया में बहुत कुछ दिखाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मीडिया में तो बहुत कुछ दिखाया गया है, परंतु यहाँ पे लड़कियाँ बहुत आती हैं। यहाँ पे आज जो साथ संगत आई हुई है, लाखों की तादाद में साथ संगत आई हुई है, मीडिया ने तो ये दिखाया डेरा ये है, देखो यहाँ पे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैं मीडिया को कहना चाहूँगी कि मीडिया ने ये क्यों नहीं दिखाया, आज यहाँ पे मीडिया आकर ये दिखाए भी इतनी संगत आई हुई है, इनका विश्वास क्यों नहीं डोला? और यहाँ पे जो गुरुजी ने काम मानवता भलाई के चला रखे हैं, वो भी मीडिया ने नहीं दिखाया। किस तरह के मानवता भलाई के? मानवता जैसे कि आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, क्या किसी के कहने पे कोई ब्लड डोनेट कर सकता है? मुझे तो लगता है नहीं है, पर गुरुजी अगर एक बार भी बोल देना तो यहाँ पे लाखों लोग ब्लड के लिए तैयार हो जाते हैं, लाइनें टूटती भी नहीं है और लोगों का मतलब इतना ब्लड हो जाता है कि लिया भी नहीं जाता, फिर भी यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं। गुरुजी ने चलते फिरते ब्लड पंप का नाम दिया है, जो कि बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे जो भी ब्लड होता है वो शहीदों के सैनिकों के लिए दिया जाता है, देश की भलाई के लिए दिया जाता है, उनके काम आता है। फिर भी मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती भी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं, यहाँ पे मानवता भलाई के ये काम आपके होते हैं। गुरु जी के ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए गए गर्ल्स के बारे में भी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, इल्जाम तो बहुत लगाए गए, जितने भी संत महापुरुष आते हैं सभी पे इल्जाम लगाए जाते हैं, सभी पे लगाए भी गए हैं, लेकिन जो भी इल्जाम है वो सारे झूठे हैं। हमारे गुरुजी सच्चे हैं और ये इल्जाम कभी भी साबित नहीं हो सकते। अगर गलत इल्जाम है तो यहाँ हम यहाँ पर क्यों आते? हमें कुछ मिलता है? हम हमारे घर वाले यहाँ पे भेजते हैं चाहे आधी रात। क्या मिलता है आपको यहाँ? यहाँ पे हमें ना मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है गुरुजी के, जो हर एक मानवता भलाई के काम भी, समाज में कैसे रहना है, एक मतलब एक लड़की को कैसे रहना है समाज में, वो दुनियादारी में हमारे माँ बाप तक नहीं सिखाते जो हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं। तो आज समाज को कितनी ज़रूरत है? हाँ, समाज को बहुत ज़रूरत है आज, जो मतलब ऐसे केसेस भी हैं जो लड़कियां बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं लड़कियां अंधेरे में सेफ है, क्या लड़कियां दुनिया में सेफ है? मुझे तो लगता नहीं ये दुनिया में सेफ है, फिर भी मीडिया यहाँ पे कहता है यहाँ पे सेफ है, वैसे है कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत लड़कियां आती हैं सारी, मतलब अपने पेरेंट्स जो यहाँ पे भेजते हैं किसी विश्वास के साथ ही भेजते हैं। तो सरकार से आप आखिर में क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी मानवता भलाई के कार्य हो रहे हैं और जो भी इनको करवा रहे हैं गुरुजी वहाँ पे, मतलब जो रोहतक जेल में बैठे हैं उन्होंने वहीं पे भी इतने मतलब मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं। पिछले साल उन्होंने मतलब वहीं पे बैठे बैठे यहाँ पे मानवता भलाई के काम, जो 134वां मानवता भलाई का काम किया है, तो मैं यही कहना चाहूँ कि जल्द से जल्द हमारे गुरु जी को हमारे पास भेज दे, ताकि और भी जो दुनिया में है राम नाम का डंका बज सके और जो भी मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं वो दुनिया में फैल सके और उनको मतलब गुरु जी ने जो भी आगे शिक्षाएं दी है वो और ज़्यादा फैल सके दुनिया को। एक ऐसे संत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। ये आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स, रियल लोगों की ज़ुबानी। थैंक यू।